पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। कहाँ से कहाँ पहुँचाया है चाय वाले ने, ये पूरी दुनिया ने देखा है। अब किसी को चाय से ज्यादा केतली गर्म नजर आ रही हो, उसके हाथ जल रहे हो, तो उनके ऊपर छोड़ता हूँ। अभी मेरे को समझ में आया इसका एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है। रुको जरा, सबर करो। ठीक है अभय दुबे जी, एक प्रश्न आपसे। प्रधानमंत्री ने आज वहाँ भी ये भी कहा है कि एक वक्त था जब कैश इज किंग होता था, लेकिन आज पूरे विश्व का आधा रियल टाइम डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। डिजिटल ट्रांजैक्शन का जो भारत का मॉडल है उसको कई यूरोपीय देश समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं और उसको अपना रहे हैं। इसका क्या अर्थ है? कुछ तो भारत में अच्छा हो रहा होगा या नहीं हो रहा? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। चलिए शुरू करते हैं। प्रधानमंत्री जी, तब तक आप अपने इस गरीबी का रोना रो करके भारत की आंखों में धूल झोंकते रहेंगे? क्या कहा आपने? इंटरनेट नहीं था, फोन नहीं थे। अरे जो व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का ज्ञान हासिल करके सरकार बनाई ना 2014 में, 77 करोड़ फोन उस समय थे हिंदुस्तान के पास। प्रधान फाइनेंशियल इंक्लूजन कांग्रेस पार्टी ने प्रारंभ किया। 182.6 मिलियन सेविंग बैंक अकाउंट्स थे उस समय। 2011 की जनगणना उठाई। आप लोग डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे थे। सुन तो, बीच में ना बोल। ये तो सारा हम ही ने बुनियाद रखी है। आप देखिए 68% शहरी क्षेत्रों में बैंक के अकाउंट थे 2011 की जनगणना। मैं नहीं कह रहा हूँ, प्रधानमंत्री जी के पास डेटा है। मोदी जी का मॉडल आपने शुरू किया। रुक तेरे को बताते तेरी माँ की। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। मोदी जी ने तो क्या किया, डीबीटी कह रहे हैं वो डिजिटल बेनिफिट ट्रांसफर सबसे बड़ी उपलब्धि बता रहे। अरे साहब 36% केस इन सर्कुलेशन बढ़ गया। नहीं बढ़ गया क्या, बताइए आप। ये तो बड़ा गाना गाते थे नोटबंदी का। मैं आपको एक और तथ्य देना चाहता हूँ। जिस कन्वेंशन सेंटर में प्रधानमंत्री जी भाषण दे रहे थे, जियो वाले, क्या किया इन्होंने? इस 4 जुलाई को देश के सब लोगों को जानना चाहिए, हिंदुस्तान के सबसे पहली जो सेवा देने वाली संस्था थी मोबाइल की, वो थी BSNL। उस BSNL को 4G के नेटवर्क के लिए क्या कहते हैं कि इंडिजीनियस इक्विपमेंट लेने होंगे आपको, तब आप आपके 4G के नेटवर्क को एस्टेब्लिश करो। बरसों तक उसको पीछे धकेल के रखा। 109 करोड़ मोबाइल के कनेक्शन हिंदुस्तान में हैं, उसमें से 91.6% किसके पास है? वोडाफोन के पास है, एयरटेल के पास है और जियो के पास है। क्या किया उन्होंने? 4 जुलाई को 20% तक अपना टैरिफ बढ़ा दिया, अपने रेट बढ़ा दिया। प्रधानमंत्री जी इंटरवीन किया, 34,836 करोड़ रुपए का डाका आपकी जेब पर डाल दिया प्रधानमंत्री जी। इतना छोटा पहले कभी नहीं हुआ होगा। मैं नहीं कह रहा हूं, एक के बाद एक सिलसिलेवार मैं आपको बात बताऊंगा कि जो प्रधानमंत्री जी भाषण देते हैं वक्तव्य और व्यवहार का उनका अंतर क्या। हाल किया आपने का गरीब का बेटा हूं, गरीब के बेटे ने गरीबों का क्या हाल किया प्रधानमंत्री जी? जो हिंदुस्तान की बैकबोन है यहां का अनऑर्गेनाइज सेक्टर, पास जो भी रिपोर्ट NSSO ने सबमिट की जुलाई 2024 में, 1,60,00,000 लोगों ने अपनी नौकरी गंवाई है। उस 11,00,000 करोड़ रुपए की हमारी GDP को लॉस हुआ। किससे? आपकी नोटबंदी से, गलत GST से और कोविड में आपने लोगों की मदद नहीं की प्रधानमंत्री उससे। ठीक है, ये बिक गई है गवर्नमेंट, आप गवर्नमेंट में कुछ नहीं है। आपने आखिरी बात करने दीजिए। उन्होंने सरस्वती की बात की कि मैं ये रास्ते में खड़े रहते जब सरस्वती बुद्धि बांट रही थी। हाँ प्रधानमंत्री जी, हम तोड़ गए थे, बुद्धि की दात्री हमें दीजिए, लेकिन आप कह रहे थे होम ह्रीम श्रीम क्लीम कुबेराय नमः कुबेराय नमः। अपने धन्ना सेठ दोस्तों के लिए आप चाहते थे कि 1600 करोड़ रुपए रोज कमाए और हिंदुस्तान का गरीब किसान की आमदनी 27 रुपए रोज रह जाए प्रधानमंत्री जी। तो ऐसे गरीब का बेटा जो गरीब का को निहाल नहीं कर सकता, जो गरीब के लिए काम नहीं कर सकता, उसकी आवश्यकता नौकरियों का। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़। खत्म।